तो दोस्तों स्वागत है आपका जमुई में। और जमुई क्यों प्रसिद्ध है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये जाना जाता है अपने महाभारत के काल से ही। इसके अलावा सिर्फ इसलिए नहीं, इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको जैन कम्युनिटी और टेम्पल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर इसकी खूबसूरती की बात करें, लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, क्यों आना पसंद करते हैं यहाँ पे लोग, तो इस जगह पे आपको दिखेगी लंबी लंबी सड़कें, साथ में डेंस फॉरेस्ट, बहुत घने घने जंगले हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पे इस खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं यहाँ के खूबसूरत प्यारे प्यारे लोग। तो हम चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर, दिखाते हैं कि यहाँ पे जमुई में क्या कुछ आपको मिलेगा देखने। तो चलिए मिलवाते हैं आपको बिहार के श्वेतांबर ट्रेडिशन से। हम लोग आ गए हैं लाछौड़ गांव में, और ये जो मंदिर जैन मंदिर है वो बसा हुआ है एक पहाड़ के ऊपर में। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये स्थापित हुआ था सन 1857 में। तो दोस्तों अगर इस जैन मंदिर की बात की जाए तो पूरे बिहार में जैन सर्किट का ये मंदिर एक पार्ट है। अगर हम बात करें यहाँ की नक्काशियों की, यहाँ के पत्थरों की, एक बार रंगत चेक कीजिए आप, यहाँ पे जो इसका कलर है, जो रंग है वो बिल्कुल हल्का पिंक है, एक तरफ आपको वाइट दिया गया है। और अगर बात करें जैनिज्म की तो ये दर्शाती है शांति और अहिंसा को, जो कि आपको पत्थरों में, पत्थरों के रंगों से साफ साफ आपको दिख सकती है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं शिवंदु शेखर जी से, जो कि यहाँ के मैनेजर हैं। और कैसे हैं आप? माना जाता है कि सुना है बाहर में कि ये जो मंदिर जो है बहुत पुरानी है। जी 2600 वर्ष पुरानी है। यहाँ महावीर स्वामी का जन्म स्थल है, जन्म हुआ था यहीं पर। और ये जो प्रतिमा है ना महावीर स्वामी का, ये जीवित प्रतिमा है, उनके बड़े भाई नंदीवर्धन ने बनवाए थे। ये क्षत्रिय कुंड के नाम से जाना जाता है, और ये जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ है। तो अब मैं आपको लेकर गया हूँ बिहार का एक ऐतिहासिक प्लेस, जो कि भागलपुर है। और ये जगह को हम लोग चंपा नगरी के नाम से भी जानते हैं। इस जगह पे सिल्क का प्रोडक्शन बहुत फेमस है, इसीलिए हम इस जगह को द सिटी ऑफ सिल्क के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ ही साथ बिहार में पटना के बाद भागलपुर में आपको प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, जैसे TMBU और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ का विकास और यहाँ के सभ्यता में माँ गंगा का काफी बड़ा योगदान है। तो अब हम रुके हैं नाश्ता करने के लिए भागलपुर की सबसे फेमस दुकान पे, जिसका नाम है बाबूलाल स्वीट। सर हिस्ट्री क्या है दुकान की? ये 1934 से स्टार्टिंग है, हमारे पिताजी और बड़े बाबू जी इसको मिलके स्टार्ट किए थे, उस समय से ये दुकान चल रही है। हमारे यहाँ का नाश्ता सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कचौड़ी सब्जी जलेबी मिलता है यहाँ पर। हाँ, और कुछ बड़े बड़े हस्तियाँ भी यहाँ आए हैं, जैसे MS धोनी जो है 2007 में यहाँ पर खेलने आए थे, उस समय खाए थे। तो हमारे पास ये देखिए आ चुका है शानदार सा बाबूलाल स्वीट्स का, यहाँ पे कचौड़ी जलेबी और सब्जी, जो कि मिलता है आपको इस पत्ते के दोने में। बहुत स्वादिष्ट टेस्ट है इसका, और जो सब्जी है ना आलू और चने की, बहुत लाजवाब है। जलेबी, और अगर टेक्सचर की बात की जाए तो एक बार देखिए, बिल्कुल पतली सी करारी है और बिल्कुल जूसी मिलेगा आपको खाने के जलेबी यहाँ। वाह बहुत बढ़िया। रास्ते में दिखा मुझे एक ऐसा जगह ना जहाँ पे बहुत भीड़ लगा हुआ है, और लोग यहाँ पे क्या खा रहे हैं, यहाँ पे खा रहे हैं टिपिकल देसी स्टाइल का स्नैक्स। तो चलते हैं हम भी और देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस दुकान के अंदर में, और लोग इतना भीड़ लगा करके क्यों खड़े हैं। पे ये आपको देगा प्याज की पकौड़ी और साथ में यहाँ पे मिक्सचर। बाइट में आपको मूढ़ी भी है, पकौड़ी भी है, चना भी है, घुगनी भी, सब कुछ मिला हुआ है, और सरसों तेल में इसको पूरा बनाया जाता है। टेस्ट बिल्कुल देसी है, हल्का मसाला यूज किया गया है और लाइट एकदम है। आपको जब दिल करे ना आप यहाँ पे आकर के इस देसी स्नैक्स को ट्राई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी भागलपुर में हूँ, और आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ ऑस डॉल्फिन। क्या
आप भी चौंक गए ना? जी हाँ, ऐसे ही मैं भी चौंक गया था जब सुना था कि डॉल्फिन देखने को मिलेगा भागलपुर में। आज इसीलिए आपको लेकर के आए हैं विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी में। और बहुत कम लोगों को पता है कि गंगा की डॉल्फिन जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। कुछ मीठा हो जाए तो मैंने मंगवाया है बिहार का फेमस जो है खोआ। और ये जो है बनता कैसे है, इसे जो है दूध को जला जला करके हल्की हल्की धीमी धीमी आंच पे पकाते हैं और पकाने के बाद ये बन के रेडी होता है। हल्का मीठा होता है और स्वाद जो है ना वो बहुत सोंधा होता है। तो हम इसको चखते हैं पहले यहाँ के खोआ को, और ये हल्का सा चीनी उसके ऊपर में है। इस मिठाई के आगे, इस मिठास के आगे ना दुनिया की हर मीठा जो है ना वो फेल है, चाहे वो कोई मीठा क्यों ना हो, क्योंकि ये आपको ओरिजिनल दूध का है, कोई मिलावट नहीं है इसके अंदर में। और स्वाद ऐसा कि अपने हाथ को आप रोक नहीं पाओगे। तो हम ख़त्म करते हैं इसको और लेके चलते हैं आपको एक नई जगह पे। अब मैं आपको लेकर के आया हूँ मुंगेर शहर की खड़गपुर झील में, और इसकी हिस्ट्री बहुत ही अनोखी है। इस मुंगेर शहर को इस्टैब्लिश किया गया था 4th century में गुप्त साम्राज्य के द्वारा। खड़गपुर झील एक प्राकृतिक झील है। सन 1876 में इसका निर्माण दरभंगा के महाराज ने खेतों की सिंचाई के लिए करवाया था। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर के आया हूँ खिलाने के लिए बॉम्ब, आइटम बॉम्ब। तो घबराइएगा नहीं, जिस आइटम बॉम्ब की मैं बात कर रहा हूँ उसे बोलते हैं रसगुल्ला। और इस रसगुल्ला के लिए कहाँ पे हम लोग आए, हम लोग आए हैं लखीसराय के बढ़िया में। और जब बात करते हैं रसगुल्ला की ना तो ध्यान आता है क्या, कोलकाता का, क्योंकि वहाँ मिलता है बहुत ही फेमस सा और बहुत ही स्वादिष्ट रसगुल्ला। लेकिन जिस जगह पे हम खड़े हैं ना उस जगह का रसगुल्ला जो है वो बीट कर सकता है कोलकाता के रसगुल्ला को। तो हम चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर क्यों बोलते हैं इसे आइटम बॉम्ब रसगुल्ला और क्या खास है इसमें। तो चलते हैं और थोड़ा बात करते हैं और देखते हैं कि रसगुल्ला होता कैसा है, उसका स्वाद कैसा है और क्यों बोलते हैं उसको आइटम बॉम्ब। आइए तो आइए थोड़ा बात करते हैं यहाँ के ओनर जो कि हैं प्रिंस कुमार जी, और जानते हैं कि क्या कुछ खास है, क्या खास है आपकी दुकान पे। यहाँ पे आपको जो रसगुल्ला मिलेगा ये कहीं और नहीं मिलेगा, और बेहतर क्वालिटी मिलेगा जितना भी है, और ये पुराना है और कहीं भी ऐसा रसगुल्ला आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, आइटम बॉम्ब क्यों बोलते हैं इसको? आइटम बॉम्ब इसलिए बोलते हैं कि ये साइज में थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है। बड़ा होता है साइज जी, है ना? ये आपको जनरल रसगुल्ला मिल जाएगा कहीं भी, लेकिन ये साइज के आपको कहीं नहीं मिल सकता। शुरुआत कैसे की आपने, सोचा कैसे कि पूरे दुनिया में जो है रसगुल्ला मिलता है, आपने इतना बड़ा रसगुल्ला कैसे निकाल दिया? ये पुराना है, आज से 30-40 साल पहले का ये सब बना हुआ है। 40 साल पहले इसने ईजाद किया था आपने जी। तो गाइस एक बार देखिए, दिखाते हैं आपको अंतर क्या है रसगुल्ला और आइटम बॉम्ब। ये बहुत भारी सा है और ये बिल्कुल छोटकू सा, हल्कू सा एकदम है। मतलब 300 ग्राम आता है एक पीस, 300 ग्राम का एक पीस। वाह क्या बात है, हमको यही लगता है कि भाई साहब अगर ये जो एक खा लेगा ना दोबारा उसको खाने का हिम्मत होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा साइज में है और 300 ग्राम का मिलता है एक आइटम बॉम्ब। तो हम करते हैं इसको टेस्ट और देखते हैं कि क्या कुछ खास है, इतना स्वादिष्ट क्यों है, और जिसको ढूंढते ढूंढते हम लोग बिहार का चक्कर लगाते हुए पहुंच गए हैं कहाँ पे, बढ़िया में खाने के लिए आइटम बॉम्ब। तो आइए अब करते हैं इसको टेस्ट हम इस आइटम बॉम्ब को। वाह, तो यहाँ से हल्का सा कट किए और मुझे लगता है कि अगर बात करें ना इस एक बाइट की तो ये एक रसगुल्ले के बराबर है। वाह वाकई में कहते ना है कि अगर बात करें हम आम का, तो आम होता है फलों का राजा, और पूरे मिठाई में ये होता है रसगुल्ला राजा। ये बहुत बढ़िया है। और एक चीज दिखाते हैं खास ने क्या के अंदर में, इसमें खोवा दिया रहता है, खेता दिया रहता है, इसके अंदर भी जो है स्टफिंग किया गया है, और ये है काजू है, और क्या क्या मिला है, काजू है, केसर है, सब चीज मिला हुआ है, बहुत रिच है। और बहुत बढ़िया है। तो ये हो गया रसगुल्ला,
और यहाँ का हालांकि मिठाई बहुत मिलेगा खाने के लिए। तो जाते जाते इस पावन जगह की महक और बहुत सारी रोमांचक यादों को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। बहुत कम लोगों को पता है कि हमारा बिहार जो है इतना खूबसूरत है। तो देर किस बात की, आइए और आप भी बिहार में भ्रमण कीजिए।